नमस्ते सस्त्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है वेस्ट बंगाल द नेक्स्ट कश्मीर। ओहो, ये क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? वहां पे मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं और मुसलमानों का फिर आप सोच सकते हैं क्या ही होगा। आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक समय पर देश में कश्मीर ऐसा स्टेट था जो एक्सट्रीमिज्म, डेमोग्राफिक चेंज, हाई क्राइम के लिए जाना जाता था। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर के हालात काफी सुधरे हैं, लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक और स्टेट है जो शायद धीरे धीरे भारत का अगला कश्मीर बनने की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल's हावड़ा witnessed a violent communal clash on Thursday evening after Ramnavami processions. Public property set on fire, vehicles set on fire. The ED officials have been attacked in Bengal. हाल में ही संदेश खाली में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का एक बहुत ही भयानक एग्जांपल आया है। वो लोग आप देखो, कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर। सिचुएशन इतनी बुरी है कि तृणमूल कांग्रेस के इंडिया अलायंस के मेंबर खुद अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रहे हैं। It's the Congress party now which is demanding that there should be a precedent rule in the state of West Bengal. मतलब इमेजिन कीजिए कि रोहित शर्मा ऑपोजिशन टीम के साथ मिलके विराट कोहली को आउट करने की अपील कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, कैसे वेस्ट बंगाल भारत के सबसे डेंजरस स्टेट्स में से एक बन गया है, और कैसे शायद अगर मामले में तब्दीली नहीं आती तो ये अगला जम्मू कश्मीर भी बन सकता है। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, बात शुरू करते हैं पॉलिटिकल वायलेंस से, बिकॉज वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस के लिए इन्फेमस है। लेकिन लेट्स बी फेयर, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का जो ट्रेंड है वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने ही शुरू किया। ये ट्रेंड कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। 1960s में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, और उनकी ऑपोजिशन में धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टीज 1960s में पॉपुलर होने लगी। इस ऑपोजिशन को कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल और एक्सट्रीम तरीकों से दबाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली 1970s में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई वेस्ट बंगाल में, और जो आज वेस्ट बंगाल में ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस की जा रही है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, उसका जो टेम्पलेट है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार किया था। कम्युनिस्ट पार्टी जब पावर में आई थी तो उन्होंने एक स्लोगन निकाला कि वो क्लास एनिमीज का अनाइलेशन करेंगे, यानी पूरी तरह से उन्हें नेस्तनाबूद करेंगे। इस स्लोगन का बेसिक मतलब था कि जो भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको गरीबों का दुश्मन करार दिया जाएगा और उन पर हिंसा की जाएगी। देखिए, एक समय पर वेस्ट बंगाल भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस हुआ करता था, लेकिन 1960s और 1970s में बंगाल की इकोनॉमी स्लो डाउन करने लगी, और बंगाल में जो बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे बंगाल छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जाने लगे, और इस वजह से बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी। और बंगाल की इकोनॉमिक हालत को फिक्स करने के बजाय कम्युनिस्ट पार्टीज ने डिसाइड किया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, खासकर जो अनएम्प्लॉयड यंग मर्द हैं, उनको नौकरी देने के बजाय बेसिकली उनको अपनी गुंडागर्दी के ऑपरेशन में शामिल कर लेते हैं। बिहार की तरह ही गुंडागर्दी और क्राइम एक तरह से वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। कम्युनिस्ट पार्टी के जो ये नए गुंडे थे, ये गांव-गांव में जाते थे, और जहां पर भी कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स मिलते थे उन्हें धमकाया जाता था या मारा जाता था या उनके घर और गांव से निकाला जाता था। कई जगह पर तो उनकी प्रॉपर्टी और उनके खेत भी हड़प लिए गए थे, और पॉलिटिकल वायलेंस की इतनी बुरी हालत हो गई कि कुछ बहुत ही इनफेमस मैसेकर्स कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर्स के द्वारा अलेजेडली किए गए वेस्ट बंगाल में। एक ऐसा मैसेकर था सैनबाड़ी मैसेकर, जहां पर सैन परिवार के 3 लोगों का खून किया गया और अलेजेडली उनके खून को चावल में मिक्स करके उस परिवार की मां को खिलाया गया, इसलिए क्योंकि ये 3 जो लोग थे ये कांग्रेस पार्टी के बड़े सपोर्टर माने जाते थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसा एक और भी भयानक एग्जांपल था मरी झापी मैसेकर। देखिए, भारत का जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के जल्द बाद ही ईस्ट पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनको बहुत परसिक्यूट करना शुरू कर दिया गया। उस परसिक्यूशन से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के जो हिंदूज थे वो रेफ्यूजी बनके वेस्ट बंगाल में आकर सेटल करने लगे। कई ऐसे रेफ्यूजीज वेस्ट बंगाल के मरी झापी में आकर सेटल किए। कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई हम रेफ्यूजीज को यहाँ पर सेटल नहीं होने देंगे, इनको वापस ईस्ट पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब वहाँ के रेफ्यूजीज ने कहा कि देखिए, हमारे साथ बहुत बुरी तरह से प्रोसिक्यूशन हो रही है वहाँ पे, अगर हम वहाँ जाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे, हम नहीं जाने वाले वापस। और इसके रिस्पांस में कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने और कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में जो पुलिस थी
उन्होंने मरी झापी पर हमला किया और 1700 इनोसेंट बंगाली हिंदू रेफ्यूजीज को बेरहमी से मार दिया। याद रखिए कि ये रेफ्यूजीज मेनली शेड्यूल कास्ट और ओबीसी थे। यही कास्ट है जिनकी अपलिफ्टमेंट की बात हमेशा करती रहती है कम्युनिस्ट पार्टी। इतना अपलिफ्टमेंट कर दिया कि सीधे ऊपर ही पहुंचा दिया। मरी झापी मैसेकर को इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री का वर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ इंडियन सिटीजन का इंसिडेंट माना जाता है। मरी झापी मैसेकर के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उसमें से एक को भी अकाउंटेबल नहीं किया गया है, ना उनमें से एक को सजा हुई है आज तक। इसी लेवल की हिंसा जब तृणमूल कांग्रेस एज अ वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव उभर कर आने लगी, वैसे ही हिंसा तृणमूल कांग्रेस के साथ भी लेफ्ट पार्टीज ने करनी शुरू की, चाहे पंचायत के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो या स्टेट के इलेक्शंस हो। भारी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में हिंसा होती थी। और फाइनली जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को हराया और 34 साल के बाद उनको पावर से निकाला, तो न सिर्फ बंगाल के लोगों में लेकिन पूरे भारत के लोगों में ये होप थी कि ममता बनर्जी एक तरह से स्टेट की सेवियर बनेगी और तृणमूल कांग्रेस ये इतने सालों से जो पॉलिटिकल वायलेंस का सिलसिला चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उस सिलसिले को भी खत्म करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते ही हैं, बेसिकली एक डिक्टेटरशिप को दूसरी डिक्टेटरशिप से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब एक बकवास ऑप्शन को दूसरे बकवास ऑप्शन से रिप्लेस कर दिया गया, यानी ब्रह्मास्त्र को आदि पुरुष से रिप्लेस कर दिया गया। और जो वायलेंस लेफ्ट परपेट्रेट कर रहा था वही वायलेंस हम आज भी देखते हुए आ रहे हैं। 2020 और 2021 के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वेस्ट बंगाल इंडिया में बिहार के बाद पॉलिटिकल मर्डर्स के रेट में दूसरे नंबर पर है। 114 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। जिस तरह कम्युनिस्ट ने तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया था जब तृणमूल कांग्रेस एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तरह उभर रही थी, उसी तरह आज तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है जब बीजेपी एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तरह बंगाल में उभर रही है। अकॉर्डिंग टू अमित शाह पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को मारा गया है पॉलिटिकल वायलेंस में बंगाल। 2023 में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 45 लोगों की जान गई है और 2021 के इलेक्शंस में 52 लोगों की जान गई थी। 45 पीपल हैव डाइड एज ऑफ टुडे एज फार एज द पंचायत इलेक्शंस ऑफ 2023 इन वेस्ट बंगाल इज कंसर्न्ड। इससे पहले के असेंबली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की हत्या हुई थी। 2021 के इलेक्शंस के बाद खबर आई थी कि 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को पॉलिटिकल वायलेंस के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा था और वो आज भी वापस बंगाल लौटने में घबराते हैं। कई ऐसे इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे जिनको मेनस्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं करती, जहां पर इंडिविजुअल बीजेपी के वर्कर्स को पॉलिटिकल वायलेंस में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अलेजेडली टारगेट किया गया है। बंगाल बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला शॉट डेड ऑन संडे इवनिंग। ठीक है, আমার একটাই দোষ, আমি একজন বিজেপি কর্মী। यहां तक कि बंगाल के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी अलेजेडली तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल वायलेंस से सेफ नहीं है। इलेक्शंस के समय पर देखिए कितनी बुरी तरह से पॉलिटिकल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। Gross violation of code of conduct by TMC worker, and this video has emerged from Islampur in West Bengal. This TMC man is seen keeping a close eye on all the voters while they are casting their votes. और इस तरह की जो बंगाल में वायलेंस होती है उसमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट डिटेल ये है कि एक स्टेट जिसकी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर है, वहां पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी बहुत बुरी तरीके से हो रही है। जब वेस्ट बंगाल में 2021 में इलेक्शंस हो रहे थे उस समय पर ममता बनर्जी जो थी उन्होंने बहुत कैंपेन किया था कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत होता है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को, राजस्थान जैसे स्टेट्स को वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2020 में 2019 के मुकाबले 22% बढ़े हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 17% कम हुए हैं। एंड द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हैज लिस्टेड वेस्ट बंगाल एज द स्टेट दैट टॉप्स द लिस्ट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज वंस अगेन डिसाइडेड टू टेक The ostrich route. तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड है वेस्ट बंगाल में। ऐसे कई केसेस भी आपने शायद मीडिया में सुने होंगे, जहां मालदा का केस है जहां पर दो ट्राइबल औरतों के कपड़े उतारकर उन्हें असॉल्ट किया गया था। पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से दो दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया। नादिया का केस है साउथ बंगाल में, जहां एक 14 साल की लड़की के साथ अलेजेडली एक तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने असॉल्ट किया था। इस पर जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक 14 साल की नाबालिग बच्ची को सपोर्ट करने के बजाय मीडिया से पूछा कि मुझे क्या पता कि ये असॉल्ट है, हो सकता है कि इसका अफेयर चल रहा हो हमारे लीडर के साथ और तब वो प्रेग्नेंट हो गई। बाड़ी लोकेराओ सेटा जानतो, पाड़ार लोकेराओ जानतो, एखन जदि कोनो छेले मेये केउ कारोर साथे प्रेम करे
সেটা আমার আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। याद करिए कि एक बार मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार हुआ था तब कहा था कि भाई लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जी लड़के हैं गलती हो जाती है। तब कितनी उनकी निंदा हुई थी और बिल्कुल होनी भी चाहिए थी। ये बिल्कुल ही घटिया और घिनौना स्टेटमेंट था। लेकिन क्या मीडिया में ये कवर भी हुआ है ठीक तरीके से कि ममता बनर्जी ने कितना घटिया स्टेटमेंट दिया। बीजेपी एक्टिविस्ट की वाइफ के साथ असॉल्ट हुआ। वेस्ट बंगाल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में टॉप 5 स्टेट्स में आता है इंडिया। यहां तक कि वेस्ट बंगाल का जो औरतों की सपोर्ट के लिए टोल फ्री 24/7 नंबर है, एक रिपोर्ट ने पाया कि वो नंबर डिसफंक्शनल था और उनका जो लैंडलाइन नंबर है वो नंबर हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करता था और वो भी ऑफिस आवर्स के समय। यार लोग SBI का मजाक उड़ाते हैं। SBI तो फिर भी 2024 में जी रहा है, वेस्ट बंगाल के हेल्पलाइन तो 3024 में जी रहे हैं। और ये पार्टी के लीडर्स हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाके क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बातें करते हैं। महुआ मोइत्रा जी हैं जो पार्लियामेंट में जाके वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर सवाल उठाती हैं, औरतों के अधिकारों की बातें करती हैं। ये तो वही बात हुआ कि ओरी टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहा है। और इसी सिलसिले में फिर हम आते हैं संदेश खाली इंसिडेंट पर। देखिए 5 जनवरी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने TMC के एक लीडर शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा एक राशन स्कैम के सिलसिले में। लेकिन वहां पर ईडी वालों को सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि ऑलमोस्ट 1000 लोगों की एक भीड़ ने ईडी के ऑफिसर्स पर हमला भी कर दिया। तो ये शाहजहां शेख जो है इसे बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है बंगाल में। और ये TMC से जुड़ा हुआ एक लीडर है जो संदेश खाली एरिया में काफी प्रोमिनेंट है, खुलेआम इस तरह की बातें भी करता है। वो तो पूंजी हमारे पूंजी वालों मानुषेर आशीर्वाद और पूंजी वालों की CBI और ईडी CBI ED बादे साधारे बाल बदुरे को डाटा चूर छिल देगा बीजेपी दलाल ने कान खुले छुड़ाने। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि ईडी के रेड के बाद कुछ लोकल महिलाएं सामने आई जिन्होंने इस आदमी और इसके फॉलोअर्स के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग जबरदस्ती इनकी जमीन को हड़पते हैं प्रॉन कल्टीवेशन करने के लिए। और उतना ही नहीं बल्कि सालों तक इन्हें असॉल्ट और टॉर्चर भी किया गया है। बाड़ीते बाड़ीते हमला करছেন যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো বৌজি কম বয়সী বৌজির সব নাম্বার দিতে হবে, যেতে হবে, কম বয়সী বৌদের সব যেতে হবে ওখানে। হাগরাত গুনোকে দিও মাঝে সাঝে ফোন করা তো কি কাজ, রাত 12টার সময় নারীদের উপরে অত্যাচার করত। পুলিশ কবি আমারি মদত নাহি করতি, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। एक लोकल महिला ने तो ये भी आरोप लगाया कि TMC के गुंडे इस इलाके में लड़कियां ढूंढते हैं और जिस घर में सुंदर लड़कियां मिलती हैं उसे किडनैप कर लिया जाता है। पार्टी लोगेरा आगे ऐसा देखा जाए कौन बाड़ी बहुटा देखते सुंदर के कम बयसी यही बात तार घूमकी चले आज तुम्हारे बाड़ी बहु तुम्हें छेड़ दाओ तुम स्वामी होते पारो किन्तु तुम्हारा कोई अधिकार नहीं निये चले जाबे। ये आरोप लगने के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया लेकिन उसके कुछ चेलों को गिरफ्तार किया गया है। हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। ये शाहजहां उसके वाहिनी में है शिबू उत्तम সঞ্জু রঞ্জু ধরে টেনেছে, শাড়ি আঁচল ধরে টেনেছে, এরকম অনেক মানে অনেকেই আছে এই ধরনের বাজে বিহেভ করছে, তাহলে মানে আমাদের মনটা কি বলে। তো অবভিয়াসলি মিডিয়া ইস মামলে কি তফতিশ কি বাত কর রহি হ্যায়, শেখ কি গিরফতারি কি বাত কর রহি হ্যায়, লেকিন গভর্নমেন্ট শেখ পর কোই কার্রওয়াই করনে কে বাজায়ে মিডিয়া ওয়ালো কো গিরফতার কর রহি হ্যায়। গিরফতার করা হচ্ছে। আব ভাই দেখিয়ে নন বিজেপি স্টেটস মে আগর মিডিয়া কে উপর কুছ অ্যাকশন লিয়া জাতা হ্যায় তো উসসে হামারি ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ইয়া হামারি জার্নালিস্টিক ফ্রিডম পর কোই আসর নহি পড়তা। ইনফ্যাক্ট এসে ইনসিডেন্টস কো দেখ इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग है वो 3-4 पोजीशन ऊपर चली जाती है। मतलब अक्यूज पे एक्शन लेने के बजाय आप जो मीडिया सवाल उठा रही है उस पर एक्शन ले रहे हो। कि अगर ठाकुर गब्बर पे एक्शन लेने के बजाय जाके बेचारे रहीम चाचा को फ्लाइंग किक मार मार के पेलने लगे। एक TMC के लीडर ने तो ऐसा कॉमेंट कर दिया कि जो असॉल्ट हुआ है औरतों के साथ उस असॉल्ट का लाइव फुटेज मांगने लगे। ये साबित हो गया था कि वहाँ पर रेप हुआ है, बंगाल में एक वीडियो एक फुटेज आप दिखाइए कि कहीं पे रेप हुआ है। वाह दीदी वाह दीदी। और ममता बनर्जी ने भी अपने असली रंग दिखाया और उन औरतों की मदद करने के बजाय उन औरतों की बात सुनने के बजाय उनको BJP एजेंट एक तरह से डिक्लेयर कर दिया। जो मास्क लगाकर मीडिया से बात कर रहे हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ये सब BJP जो है बदनाम करने के लिए कर रही है, RSS का बंकर है संदेश खाली ममता बनर्जी कह रही है। और देखिए अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है वायलेंस की जो बंगाल में हो रही है, एक और बड़ी प्रॉब्लम बंगाल में हो रही है और वो है बंगाल की चेंजिंग डेमोग्राफी। डॉक्टर मोहित रॉय जो बंगाल और बांग्लादेश के एक एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4% हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में अनफॉर्चुनेटली डेमोग्राफिक चेंज कई सालों से हो रहा है। 1971 में वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 12% थी और बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन अराउंड 30
20% थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन 12% से बढ़के 30% हो चुकी है और बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन 30% से घटके 8% हो चुकी है। मिनिस्टर नित्यानंद राय की अगर बात माने तो 2017 और 2019 के बीच में लगभग 1,20,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने भारत में घुसपैठ किया है। इस इमिग्रेशन से न सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है बल्कि बंगाल की इस्लामाइजेशन भी बढ़ रही है। 1977 में बंगाल में सिर्फ 237 मदरसे थे और आज बंगाल में 10,000 से ज्यादा मदरसे बन चुके हैं। साल 2000 में बंगाल में अराउंड 400 मस्जिदें थी और आज सिर्फ कोलकाता में 450 से ज्यादा मस्जिदें हैं। शनमुख और शाश्वती सरकार, उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया है बंगाल में पॉपुलेशन चेंज का और बंगाल के कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कुछ काफी डरा देने वाले प्रोजेक्शन हैं। इनके मुताबिक मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में 2060 में ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन मुस्लिम होने वाली है। मालदा जैसे एरियाज में ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन मुस्लिम होने वाली है। दिनाजपुर जैसे एरियाज में 45% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। बीरभूम में 45% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। 24 परगना में 42% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। और अगर वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज का इसी तरह का ट्रेंड रहा तो आने वाले 20 सालों में मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से बढ़कर 40% हो जाएगी वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर हिंदुओं की बात करें तो आप देखिए कि 2021 के कंपैरिजन में 2060 में किस तरह से हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। और देखिए, दुनिया की और खासकर भारत की अनफॉर्चुनेट रियलिटी एक ये है कि जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 30-40% के बीच में आ जाती है, वहां पर कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हमें देखने को मिलती है। पहला, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन, और दूसरा सेपरेटिज्म। आप देखिए कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा किया था तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स ने इसका खुलकर समर्थन किया था। जिन एरियाज में बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशंस थी इंडिपेंडेंस के समय पर, उन एरियाज ने एक सेपरेट मुस्लिम्स के लिए देश डिमांड किया था। 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस को याद रखिए, जिसमें बेसिकली 90% मुस्लिम्स ने एक सेपरेट पाकिस्तान के लिए वोट किया था। जब बांग्लादेश के सिलहेट में भी रेफरेंडम हुआ कि भाई इनको इंडिया ज्वाइन करना चाहिए या पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए, तो यहां के भी मुस्लिम्स ने भी ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान के लिए वोट किया था। और इस सेपरेटिज्म के साथ साथ इन एरियाज में एक्सट्रीमिज्म भी बहुत हाई लेवल का देखा गया था। आप याद रखिए कि पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के लिए किस तरह से 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इस्लामिक मॉब्स ने हजारों हिंदुओं का खून किया था। हाथों में चाकू और गंडासे लिए जिहादी भीड़ ने चुन चुन कर हिंदू पुरुषों को मारना और हिंदू महिलाओं से बलात्कार शुरू कर दिया। हिंदुओं की दुकानों और मकानों में आग लगाया जाने लगा। हिंदुओं से कह दिया गया था कि जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूलना होगा। उसी तरह से नोआखाली में मुस्लिम मॉब्स ने किस तरह से हजारों हिंदुओं का खून किया था और औरतों पर अत्याचार किए थे। सामने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर चिल्लाती हजारों मुसलमानों की भीड़ थी। कसम खाई गई कि नोआखाली में हर काफिर और कुफ्र के हर निशान को मिटा दिया जाएगा। और इंडिपेंडेंस होने के बाद जिन इस्लामिक एरियाज में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बड़ी थी, वहां पर याद रखिए किस तरह से हिंदुओं का एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो गई थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों के पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे और जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। और आपने देखा ही है कि 1971 से किस तरह से बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन गिरी है। जून 1971 में हिंदुओं को न सिर्फ मारा गया बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज, दुकानों, जमीनों को एनिमीज प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत कॉन्फिस्केट कर लिया गया। और ना सिर्फ इतना ही, पाकिस्तानी आर्मी और रजाकस ने तकरीबन 5 लाख रेप किए। और यही पैटर्न अनफॉर्चुनेटली हम लगता है वेस्ट बंगाल के साथ भी देख रहे हैं। और इस पैटर्न के साथ एक और बड़ी इशू है कि किस तरह से ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो इस बड़े 30% मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी खेल रही है। 2011 में ममता बनर्जी ने 60 से ज्यादा मुस्लिम कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में ऐड कर दिया था। यानी कि अगर हमारे शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी कास्ट के हिंदू भाई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाते हैं तब भी वो ओबीसी कैटेगरी में रह सकते हैं और उनसे मिलते हुए बेनिफिट्स का भी एडवांटेज उठा सकते हैं। Category A, which has more benefits, 90% are in fact Muslims or castes belonging to Muslim groups which have been given reservations under that particular category. Whereas in category B, which has fewer benefits, 54% are reserved for the Hindu castes. Now under category A, admissions in medical colleges, 91.5% were found to be Muslims and 8.5% Hindus. Uske saath saath April 2012 mein Mamata Banerjee की पार्टी ने अनाउंस किया था कि वेस्ट बंगाल के हर एक इमाम को 2,500 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। उसके साथ साथ 1,500 रुपए का अलाउंस भी अनाउंस किया गया मुअज्जिनों को, यानी जो लोग लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हैं अजान की।
गवर्नमेंट ने एक ड्रामा सीरीज जिसको बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन ने मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लॉन्च किया था उसको भी बैन कर दिया था और सलमान रुश्दी को भी कोलकाता आने से रोक दिया था। उसके साथ साथ उर्दू को स्टेट की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से ऊपर हो। इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजंस हैं कोलकाता के मितिया बुर्ज, राजा बाजार, खिद्दरपोर, पार्क सर्कस, वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और लैंड ग्रैबिंग भी हो रही है ऐसे मुस्लिम लीडर्स के थ्रू जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं टीएमसी से। और अलेजेडली पुलिस से ये कहा जाता है कि इस लैंड ग्रैबिंग पर और इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कोई एक्शन ना लिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी अहमद हसन इमरान बैंड आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी बांग्लादेश के एक फ्रंट मैन है और बैंड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सिमी के लीडर भी थे। जनवरी 2016 में जब एक मुस्लिम मॉब ने कलाईचक में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पुलिस स्टेशन पर आग लगाई तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली उस पुलिस स्टेशन को फिक्स कर दिया गया। मॉब पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ऐसा प्रिटेंड किया गया कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। जब धूलागढ़ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल वायलेंस हुई थी तो अलेजेडली लोकल मीडिया को दबाया गया था कि वो इस पर रिपोर्ट ना कर सके। जब पिछले साल रामनवमी पर हिंसा हुई थी, हिंदुओं पर पथराव किया गया था, उनको अटैक किया गया था, तब ममता बनर्जी ने हिंदुओं को ही गाली दी थी कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुस्लिम एरिया में चले गए और राम का नाम लेने लगे, शर्म आनी चाहिए तुमको, अटैक नहीं होगा तो और क्या होगा। इनफैक्ट मैडम तो इतनी बेशरम है कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी पार्टी का दूध देने वाली गाय बताया है, यानी हम जितना चाहे इनको मिल्क कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। आप दोना। अब उस मूवमेंट का मीम मत बना देना सालों। और अब बात करते हैं उस क्लेम की जो मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी कि क्यों पोटेंशियली वेस्ट बंगाल भारत का अगला कश्मीर बन सकता है। देखिए कुछ चीजें तो मैंने ऑलरेडी बताई हैं कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में इमिग्रेशन हो रहा है और डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और इस डेमोग्राफिक चेंज से एक्सट्रीमिज्म और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ रही है। इनफैक्ट सिर्फ 2016 और 2017 के बीच में हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि वेस्ट बंगाल के एटलीस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कम्युनल वायलेंस हुई है। कलाईचक में, चांदचोल में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, हुगली में, ईस्ट मिदनापुर में, वेस्ट मिदनापुर में, नॉर्थ 24 परगना में, हावड़ा में और बुरदवान में। कश्मीर की तरह ही यहां पर भी लाउडस्पीकर से हिंदुओं को धमकी दी जाती है। ये 2019 का इंसिडेंट है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में हिंदुओं को धमकी दी जाती है कि उनको कहां वोट करना चाहिए। आसनसोल और रानीगंज में 2018 में राम नवमी के सेलिब्रेशन के समय पर हिंसा हुई थी। हमारे घर में ढूंढ जाए हम लोग लेडीज कहाँ जाएंगे। वो लोग हैं जो समुदाय विशेष के खौफ की वजह से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है कश्मीर से आपको। लास्ट ईयर कश्मीर हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 1,40,000 हिंदूज। इन द लास्ट 6 मंथ्स मोर देन 1,00,000 हिंदूज हैव फ्लेड देयर होम्स, मेनी विद जस्ट देयर क्लोथ्स ऑन देयर बैक्स। धूलागढ़ में भी हिंदुओं पर हिंसा हुई थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और हिंदुओं को मारो ये नारे लगे थे। आज वो माने बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू हटाओ, एक घंटे के सारा कुछ लोग आनी है। 2016 में कम्युनल राइट्स हुए थे जब मुस्लिम मॉब्स ने हिंदू घरों में और उनके शॉप्स में क्रूड बॉम्ब्स फेंके थे, आग लगाई थी और लूट मचाई थी। पुलिस को इन्फॉर्म भी किया गया लेकिन पुलिस ने घंटों तक कोई एक्शन नहीं लिया। और जब सोशल मीडिया पर इसका बैकलैश मिला तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को तो इसको फेक न्यूज करार दिया गया। कश्मीर की तरह ही पत्थरबाजी भी वेस्ट बंगाल में पहुंच चुकी है। पूर्व कश्मीर में जो पत्थरबाज था अभी वो बंगाल में आ गया। बिहार के मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भी बंगाल की सिचुएशन को कश्मीर से कंपेयर किया है। बंगाल मैं आज कह रहा हूं, पता नहीं किनको क्या बुझा है, ममता की का वही रोल है ममता बनर्जी का जो कभी कश्मीर में राजनेताओं का, चाहे फारूक हो, कांग्रेस हो, जिस ढंग से किया। एनआईए ने भी कुछ समय पहले एक साजिश का पर्दाफाश किया था जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश की डीजीएफआई के साथ जुड़ी हुई कुछ आतंकी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे जो बुरदवान, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरियाज में एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे और ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश की स्थापना की प्लानिंग कर रहे थे। तपन घोष जो कि हिंदू समिति के फाउंडर हैं, उनके हिसाब से वेस्ट बंगाल
में लगभग 32,000 ऐसे गांव हैं जहां भारी मात्रा में एथनिक क्लेंसिंग हो चुकी है। उनके हिसाब से हर साल हजारों हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है। अब वो नंबर एग्जैक्टली क्या है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल में शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी हिंदूज को बड़े पैमाने में इस्लाम में जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है और ये कन्वर्जन का रेट हर साल तेजी से बढ़ रहा है। एबीसी, which is the National Commission for Backward Classes, has leveled severe charges of appeasement politics on the Mamata Banerjee government there. Large number of Hindus in the state of West Bengal have converted to Islam. तो हाँ, चलिए शायद आज एग्जैक्टली कश्मीर जैसे हालात नहीं हो बंगाल में, लेकिन जो डेटा होपफुली मैंने आपको दिखाया है उससे कुछ क्लियर हुआ हो कि अगर जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो करंट ट्रेंड्स अगले 10-15 सालों में नहीं बदलते तो बंगाल की सिचुएशन कश्मीर जैसी होने की पॉसिबिलिटीज तो हैं। और शायद इसलिए बंगाल की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए और वहां की डेमोग्राफी को बचाने के लिए, क्योंकि याद रखिए डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, शायद वहां पॉलिटिकल चेंज की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से बंगाल की डेमोग्राफिक सिचुएशन को बचाने के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए आपके क्या रिकमेंडेशंस है? आपको क्या लगता है बंगाल में क्या चेंजेस आने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी बंगाल की तरह ही बिहार में क्या पिछले कई सालों में प्रॉब्लम्स रही हैं, क्यों बिहार आज भी इतनी बुरी तरह से इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रगल कर रहा है, उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहां पर है, यहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड, तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे उन्होंने वीडियो का टाइटल रखा कि नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर बनने जा रहा है, तो ये बहुत ही हैरानकुन चीज़ है कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ पे एक जो जिसकी सीएम है एक वुमेन है, एक खातून है, लेकिन वहाँ के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पे दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जाता है और सुनने में आया था कि वहाँ पे एक मंदिर को भी जला दिया गया। और ये बड़ी ही अजीब घटनाएं हो रही हैं और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाली हमेशा से ही वहाँ पे बाहर से बहुत सारे लोग, बांग्लादेशी वहाँ पे आके बसे हुए हैं, वहाँ से रोहिंग्यन बहुत सारे आके बसे हुए हैं और वो ही वोट बैंक बन गया है वहाँ पे ममता बनर्जी का, और वही अब उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। और वो जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं ये सब चला रहे हैं, जितने भी इस वीडियो में बताया गया पॉलिटिकल चीज़ें हों या लोगों को मारना हो, धमकाना हो, वो दलित वुमेन्स को बरहना करके करना, उनकी परेड करवाई जानी हो, कुछ भी ऐसे मामलात हों, तो यही वो वोट बैंक है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर नहीं करता। और क्या खूबसूरती से उन्होंने कहा, कह दिया कि हमारे जो वो लीडर है उसके साथ उसका अफेयर नहीं होगा। तो ये जब लीडर ऐसी सोच रखती होगी तो फिर क्या ही कहने हैं उस स्टेट के। और फिर अगर वहाँ पे कुछ अच्छा है भी तो वो उसको भी खराब कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, जब ऐसे सियासतदान जो हैं वो ऐसे दरिंदों को जो है वो सपोर्ट करेंगी तो फिर वो भाई वो सच्ची कह रहे थे भाई कि ये दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। और जैसे जैसे वहाँ पे कांड हो रहे हैं और जिस जिस तरीके से वो ये कह लो कि वो MNA MPA जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो है उनकी सरपरस्ती में जो ऐसे काम हो रहे हैं और वो फिर धड़ल्ले से उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये देखिए उनका वोट बैंक जो है वो उन्होंने अपना जो है वोट बैंक बनाया हुआ है सिर्फ इसी बिना पे वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं। हमने एक वीडियो बनाया था नाजिया लाई खान का, वो उन्होंने जो आंकड़े बताए थे यहाँ के बहुत ही हैरान कुन थे बिल्कुल, और शॉकिंग थे हमारे लिए कि भारत में भी ऐसा हो सकता भी ऐसा भी है। देखिए कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी जमातें हैं तो वो एक दूसरे को इस्तेमाल करती हैं। और वहाँ पे देखिए कि सियासी जमातें ही दूसरे को डिक्टेट कर रही हैं, वहाँ पे ये ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत ही जो है ना परेशानी का सबब है मेरे लिए, तो खास करके कि इंडिया में ऐसा हो रहा है जबकि हर जगह पे हर स्टेट जो है ना वो आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है। और वेस्ट बंगाल से बढ़ के एक आगे बढ़ रहा है, तो ये मणिपुर भी उधर ही आता है। नहीं, मणिपुर उधर नहीं,
मणिपुर जो है ना उसके अंदर भी पिछले दिनों में वो कुछ खराबियां चल रही थी और अब वेस्ट बंगाल में है, तो ये सारी चीजें जो है चिंतित हैं, इन चीजों के ऊपर देखना चाहिए। कि आप देखिए कांग्रेस चाहती है कि हम बीजेपी को हरा के जो है ना वो केंद्र में अपनी सरकार बनाए, तो भाई यहाँ पे जो है ना तो ये सारी चीजें कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करके आपने हरा के वहां पे हुकूमत बनाई है, तो आप शायद यही सिंपति का वोट मिला है ममता बनर्जी को और आज तक वो टिकी हुई है वहां पे, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड जीरो है ममता बनर्जी का। और क्योंकि अब आगे जब 25 में वहां पे दोबारा इलेक्शन होंगे तो मेरा नहीं ख्याल क्या ममता जी या जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां वो आगे आ सकेंगी, तो यही वजह है जो हालत हो रही है वहां पे देखिए चल रही है, वहां पे देखिए जो यहाँ पे अगर जीतने वाली पार्टी हार गई है तो वहां पे भी, और मेरा ख्याल इंडिया में तो वोटिंग होती ईवीएम मशीन पे भी यहाँ पे लगता है कि ईवीएम नहीं है, यहाँ पे भी वो ठप्पे लगाने वाला सिस्टम है, तो बहुत ही हैरान कुन है आंकड़े हैं कि दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है अगर इन हालात को बढ़ने से ना रोका। देखिए कि कश्मीर के हालात बेहतर हो चुके हैं, वहां पे क्राइम रेट कम हो चुका है और वेस्ट बंगाल का क्राइम रेट टॉप पे चला गया है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। तो बिल्कुल जी वहां पे जो है ना मोदी जी को जो खास तौर पे जो है ना वो जो योगी जी या कोई और जो है ना ऐसा वो मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि यहाँ अगर गवर्नर राज लग सकता है जैसे कश्मीर में इस वक्त गवर्नर राज है, तो ऐसा करके अगर वहां से बेहतरी आ सकती है तो ऐसा करना चाहिए, ताकि कोई और स्टेट वहां पे, देखिए वहां पे रहने वाले भी इंसान है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, तो उनके साथ ऐसा होना बिल्कुल जी ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अमन होना चाहिए हर जगह पे, हमारी तो दिली ख्वाहिश है। बिल्कुल जी आज की वीडियो के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।